तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल का एक पोयम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जो कि जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हाइटमैन। तो सबसे पहले इस पोयम को शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि ये पोयम जो है ना, वो इस पे लिखा हुआ है, जो बारिश होता है तो उसको देख के क्या पोयम सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या, पोएट के दिमाग में क्या ख्याल आता है, उस पर वो लिखे हैं ये पोयम। तो आइए शुरू करते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. वो कहते हैं कि तुम कौन हो, मैंने पूछा किससे, उस बारिश से। वो जो बारिश हो रहा है उसको वहाँ शावर से रिप्रेजेंट किए हैं। Which strange to tell, gave me an answer as they are translated. वो कहते हैं मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने अपना जवाब पाया, और जिस जो उनको जवाब मिला जो रेन से, तो उसको अब अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं पोएट। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वो उस रेन ने क्या बताया, उस बारिश ने क्या बताया, कि मैं अर्थ की पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्प्लेमेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमिस सी। वो कहते हैं बॉटमलेस सी। वो कहते हैं कि मैं वो रेन कह रही है कि मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक गहराई से आने वाला, जो कण कण में जो इवापोरेट होके पानी ऊपर जाता है, और फिर समुद्र के गहराई से से आने वाली मैं पानी हूँ। तो वो बॉटमलेस यहाँ पर क्यों बोले, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं होता, वो उसको हम लोग चाहे जितना भी गहरा जाए गहरा जाए, वो उस ख़त्म नहीं होता, उसका बेस कहीं नहीं मिलता। तो पोएट उसी नज़रिए को दिखा रहे हैं। अपवर्ड टू हेवन, हैंस वैग्यूल्स फॉर्म टू द अल्टोज ऑफ द चेंज एंड येट द सेम। वो कहती है कि मैं जब ऊपर जाती हूँ, कहाँ पे, जन्नत में, हेवेंस वेलकम फॉर्म टू द अल्टो, और वहाँ पे जाके वो अपना फॉर्म को चेंज करती है, लेकिन अब भी वो वैसे ही है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट एटोमाइज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। वो कहती है, डिसेंट का मतलब होता है उतरना। वो कहती है कि मैं उतरती हूँ, और कहाँ पे वो उतर के गिरती हूँ, जो सूखा पड़ा हुआ रहता है धरती में, वहाँ पे एटोमिस जो छोटे छोटे कण हैं डस्ट, जो ग्लोब में, हम लोग के पूरे ग्लोब में जब ठंड सॉरी गर्मी जब पड़ जाता है तो एकदम सूखा पड़ जाता है, तो एकदम छोटे छोटे कण में गिरती है पानी। एंड ऑल दैट इज देम विदाउट मी, वेयर द सीड ओनली लैटेन अनबॉर्न। वो कहती है कि अगर मैं ना गिरूँ ना बरसूँ तो क्या होगा, कि जो सीड है, जो दफन किए हुए सीड हैं ज़मीन में, वो कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। वो कहती है कि मैं अपने आप को ही फिर से जन्म देती हूँ। इसका इशारा क्या है, कि जब इवापोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश गिरती है, तो वो अपने आप को ही इस तरीके से जन्म देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, और वो कहती है कि मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ और खूबसूरत बनाती हूँ। देखो, जब भी होता है बारिश होता है, तो बारिश के आने से पहले क्या होता है कि एकदम सब सूखा सूखा सा रहता है, मगर फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही बारिश हुआ तो फिर पूरा सब हरियाली फैल जाता है। तो यही यहाँ तक का पोयम था। फॉर द सॉन्ग इज सुंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिल, ये जो लाइन लिखा हुआ, वो कहते हैं कि हमको उस चीज़ का याद आने लगता है, उस गाने का याद आने लगता है ये पोएम को। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से एक बार पोएट बैठे हुए हैं, तो बारिश के जब ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तो वो बताती कि मैं कैसे कैसे आई हूँ। वो अपना इशारा देती है कि मैं पहले ज़मीन से निकली गहराई से, फिर आसमान में गई, और उसके बाद फिर से पानी बन के मैं ऐसे गिरते ही रहती हूँ और अर्थ की खूबसूरती को बनाए रहती हूँ। यही कहना है। ठीक है।